संसार भेड़ा कोई गुप्त मंत्रणा करता था। उन समय उन्हा ने ठा पड़ी कि जद मेवार रा सरदार ने पतो लागो कि उदय सिंह आशा सहारे खड़े हैं, केलवारा सामंत जग सिंह, बागोर सरदार सांगा, सोनगढ़ रा अखे सिंह और साचो रा सरदार पृथ्वीराज भेड़ा होए कुंभल मेर किया। सगड़ा मिल उदय सिंह रो राज तिलक करियो। इन अवसर माथे सोनगढ़ रा शासक अखे सिंह आपरी बेटी रो विता जो वाली जो कहावत है ये इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर एक जब ये किले का निर्माण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी फिरोजा और यहाँ जो यहाँ का राजा था कन्नड़देव उसके पुत्र थे वीरमदेव, उन दोनों की शादी के लिए इस किले का निर्माण बताया जाता है। और एक जो ये दीवार जब बन रहा था दीवार, तब जब खिलजी को ये पता चला कि कन्नड़देव अपने बेटे की शादी फिरोजा से नहीं करवाएगा, वो उसे धोखा दे रहा है, तो उसने किले का निर्माण रुकवा दिया और यहाँ पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेज दी। जब वो सेना रवाना हो गई और कन्नड़देव को पता चला कि यहाँ पर आ रही है अलाउद्दीन खिलजी की सेना आ रही है आक्रमण करने के लिए, तो एक दीवार ऐसी थी जो कच्ची रह गई थी, उस दीवार को जो माटी से और नींव के एकदम सही कर दिया ताकि बाहर से पता नहीं चले, और ये बात गुप्त रखी थी, हर किसी को ये स्टोरी ये पता नहीं था कि इस दीवार ये दीवार कच्ची है। जब यहाँ पर सेना आई अलाउद्दीन खिलजी की, सबसे पहले रणथंबोर के ऊपर आक्रमण किया, रणथंबोर से चित्तौड़, चित्तौड़ से
अपने सिवाना और सिवाना के बाद में 1308 में जालौर में। तो जब वो आई यहाँ पर सेना, तो 6 महीने तक यहाँ पड़ा रहा इस पहाड़ के, इस किले के चारों ओर, पता नहीं चला। तो यहाँ पर एक बेदिया ने किसी ने 6 महीने बाद में सूचना दी, उनको पता चला कि यहाँ पर एक ऐसे पर्सन बैठे। तो ये जब मालूम चला अलाउद्दीन खिलजी की सेना को कि यहाँ पर एक दीवार है, वो कच्ची है दीवार, तो कैसे पता चले कि वो दीवार कच्ची है और बहुत सारी पूरे चारों ओर परकोटा था। तो उन्होंने, उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि जो राई होती है, वो राई है, वो राई जल्दी से उग जाती है, 6 घंटे के अंदर वो उग जाती है। तो यहाँ जो नीचे जो मार्केट था, जो बाजार था उसमें पुराना, उस बाजार में उसकी खिलजी की सेना के जो घुड़सवार थे वो घूमे और राई लेने लगे, मुँह मांगे दाम पे राई लेने लगे। खूब सारी राई उन्होंने ले ली और पूरी जितनी भी दीवार थी चारों ओर दीवार पे वो राई और पानी के साथ में राई छिड़क दी। और फिर कोई कोई जो लालची सेठ थे, उन्होंने सोचा कि राई के भाव वो एकदम बढ़ गए हैं, तो ये मतलब बाद में, कल परसों बाद में बेचेंगे जो और ज़्यादा भाव मिलेंगे, तो उन्होंने वो राई दी नहीं, किसी ने नहीं दी, क्योंकि पूरी मार्केट से लगभग राई खत्म हो गई। तो वो राई छिड़की और एक जगह पे वो राई सुबह तक उग गई और उस जगह से वो फिर आक्रमण कर दिया सेना ने और उस दीवार को तोड़ के, और फिर यहाँ पर युद्ध हुआ था, ये जो और जौहर भी हुआ था। और जो ये जो कहावत है, मैं ये स्टोरी इसलिए सुना रहा था कि वो जो लालची जो सेठ थे वो सुबह आए और उन्होंने फिर पूछा उन घुड़सवारों को कि राई किसी को लेनी हो तो मेरे पास में पड़ी है। तो फिर उन्होंने ये कहा था कि राई के भाव रात ही बीता, मतलब राई के भाव जो रात को ही बीत गए, रात को ही जरूरत थी, ये स्टोरी थी।